नमस्कार किसान भाई। तो किसान भाई आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो किसान भाई आपने तो रबी की फसल को काट कर अपने खेत को खाली कर चुके होंगे। तो अब रबी समर में क्या होता है कि सभी खाली छोड़ देते हैं। तो किसान भाई आपको बताना चाहूंगा कि उस खाली जमीन को आप लोग यूज में लाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज ऐसे खेती के बारे में बात करेंगे जो कि सभी जानते हैं, सभी किसान भाई उसको जानते हो करे भी होंगे, लेकिन उसको गर्मी में अच्छे उगाया नहीं जा सकता। तो आज उसी खेती के बारे में बात करेंगे। तो मैं ज्यादा बात को बड़ा नहीं बनाऊंगा, सीधे अपने वीडियो में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे इसका खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई जिस खेती के बारे में बात कर रहे हैं वो है धनिया की खेती, क्योंकि धनिया की खेती गर्मी में बहुत ही कम किसान करते हैं और आज ग्रो नहीं हो पाते। लेकिन आज ऐसे ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप लोग अपना के बहुत ही अच्छे तरीके से धनिया की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मार्केट से अच्छे वैरायटी का बीज लाना है, जैसे सेमनी सीड का हो गया, नामदर सीड का हो गया, इन सभी का सीड अच्छा रहता है धनिया के लिए। और उसके बाद क्या करना है, आप लोग 1 से 2 घंटा पानी में भिंगा रख दीजिए। जब तक भींग जाएगा उसके बाद क्या करिएगा, एक टप या जितना आपका सीड है उसके हिसाब से आप लोग रेत लाना है। रेत एक टप में रखना है और उसके बाद उस टप को भिंगा देना है। पोटली को रेत में दबाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपने फील्ड को तैयार करेंगे। तो फील्ड तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार आप लोग कल्टीवेटर चला दिए, उसके बाद आप लोग रोटावेटर चलाना है ताकि वो भुरभुरा हो और अच्छी तरीके से हमारे हमारे धनिया का सीड ग्रो कर पाए। उसके बाद क्या करना है, उसमें हल्का से इरिगेशन करना है। और इरिगेशन करने के बाद क्या है, जर्मिनेटेड धनिया के बीज है उसको लाकर उसको छिड़काव कर देना। हाँ तो किसान भाई एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप लोग छिड़काव करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को पैरा का पुआल हो गया या जो ग्रीन नेट आता है जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसको लाकर आप लोग उसको छाए करें ताकि जो जर्मिनेट सीड है वो डायरेक्ट सनलाइट के ना पड़े और हमारे जो प्लांट नष्ट ना हो पाए। उसके बाद जैसे ही 1 सप्ताह होता है तो आप लोग DAP और नाइट्रोजन का थोड़ा से फर्टिलाइजर को उसमें डाल देते, आप लोग देखिएगा इतना तेजी से बढ़ेगा कि आप लोग लग 20 से 25 दिन में आपका धनिया का फसल तैयार हो जाएगा मार्केट में जाने के लिए। और लगभग 20 से 25 दिन मेहनत के बाद आपको मेहनत रंग लाएगा, वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा मार्केट में। आप लोगों को 40 से 50 रुपए किलो जरूर मिलेगा गर्मी में इसको। तो दोस्तों ये धनिया वाला वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।